अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। फेसबुक पेज को भी मेरे लाइक कर लिया अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, और टिकटॉक अकाउंट को भी। नाज़रीन, एमिरेट्स ने इस वक्त जॉब्स अनाउंस की हुई हैं, और ये जॉब्स चंद नहीं हैं बल्कि सैकड़ों में ये नौकरियाँ हैं। और एमिरेट्स का अगर आप सबको मालूम हो, ये तो बहुत बड़ी एयरलाइन है। कुछ दिनों पहले मैं एक एयर होस्टेस का इंटरव्यू देख रही थी, वो एक पॉडकास्ट में आई हुई थी। वो बता रही थी कि सऊदी अरब में जो हम लोग हायर होते हैं एमिरेट्स में, तो बड़े अच्छे चार्जेस वो देते हैं। तकरीबन वहाँ का 10 से 11 हज़ार रियाल देते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5 से 7 लाख तो बनता ही है। अब ये जो एमिरेट्स ने ये ऐड चलाई है, उसमें उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया कैसे अप्लाई आप कर सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी हो, और क्या कहाँ पे इंटरव्यूज़ इसके कंडक्ट होंगे, क्या सारा प्रोसीजर होगा, ये सारा का सारा मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो पाकिस्तानियों के लिए भी ये एक सुनहरी मौका है, जो लोग इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं। इसमें जो है तनख्वाह जो है वो 5 से 7 लाख जो हैं वो तनख्वाह होगी, और इसके साथ साथ इसके इंटरव्यूज़ हैं ये, और एयर होस्टेस के लिए भी हैं और एयर होस्ट के लिए भी, मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। अब ये जो एयरलाइन है, इसमें तकरीबन 2 लाख लोग पहले से काम कर रहे हैं, और इन्होंने नए अपने जहाज़ कुछ ख़रीदे हैं, एयरबस और बोइंग 777। ये बहुत बड़े जहाज़ हैं, ये उनके लिए अब भर्तियाँ करने जा रहे हैं और सैकड़ों में कर रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने भी इस खबर को छापा है, और इसकी वेरेसिटी को उन्होंने कंफर्म किया कि जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक खबर है, इसमें कोई फेक खबर नहीं है। ये सबसे पहले ये कि इसके इंटरव्यूज़ क्या, कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। तो इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे, मतलब आपको जाना पड़ेगा। अप्लाई इस तरह से हो सकेगा कि अप्लाई आप करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, वहाँ एमिरेट्स लिखेंगे आप लोग गूगल पर, वो जैसे ही आएगा अप्लाई का बटन होगा, अप्लाई करते ही आप लोगों ने अप्लाई पे टच करते ही अपनी सारी जो वो मांगेंगे वो देंगे डिटेल्स। और इसमें एफए जो है वो लाजमी शर्त है, एफए होना चाहिए इंसान, उसको बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए, और इंग्लिश लिखनी भी जानता हो, वो पढ़ने भी जानता हो, बोलनी भी जानता हो बेसिक। अब इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वॉक इन इंटरव्यूज़ होंगे, और जो डेट और टाइम है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले ये कि एफए लाजमी हो, इंग्लिश आनी चाहिए, लिखनी भी, पढ़नी भी, बोलनी भी, आपके पास आपकी प्रॉपर सीवी हो। आप जैसे ही इस पर अप्लाई करेंगे, आप अपने ईमेल देंगे, ईमेल पे आपको एक कोड रिसीव होगा। वो कोड जो है, जब आप वॉक इन इंटरव्यू पे जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यू पे आप वो कोड फराम करेंगे उनको। इसके जो इंटरव्यूज़ हैं वो आप खुद जाके देंगे, ये उस कोड के साथ ही आपको कुछ वक्त के बाद डेट भी बताएंगे, और डेट तो बल्कि इन्होंने बता दी हैं, टाइम बताएंगे और वेन्यू बताएंगे कि ये इंटरव्यूज़ किस जगह होंगे। लाहौर और इस्लामाबाद और कराची में तो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेन्यू डिसाइड नहीं किया कि कब हो रहे हैं। नाज़रीन, शहरों का तो बता दिया गया है कि किस शहर में होगा, और डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन टाइम नहीं हुआ और ना ही वेन्यू डिसाइड हुआ अभी तक। अच्छा, जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, या अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उससे पहले जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास आपका CNIC लाजमी हो, और पासपोर्ट भी लाजमी हो, ताकि आपका वीज़ा लग सके। साथ ही साथ 1 साल का कस्टमर एक्सपीरियंस भी हो। अगर वो नहीं भी है तो आपको इंग्लिश बेसिक बोलनी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए, और 4,430 दरहम तनख्वाह होगी, और उसके साथ साथ पर घंटा 64 दरहम आपको इजाफी भी मिलेंगे बोनस के तौर पे, 64 दरहम इजाफी भी मिलेंगे। अच्छा, ये जो इंटरव्यूज़ हैं ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए हैं, और उन ममालिक के नाम मैं बताने जा रही हूँ, वो लोग भी नोट कर लें अगर उन्होंने वहाँ पर अप्लाई करना है तो। अब ये जो इंटरव्यूज़ की डेट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये अगर कोई और बाहर के मुल्क से भी देख रहा है तो वो भी इसको नोट कर ले, ये इन दिनों होंगे, और जब वो अप्लाई करेंगे तब भी उनके पास कोड्स आ जाएंगे। 10 जुलाई को ट्यूनिस में होगा इंटरव्यू, 11 जुलाई को बैरूत लबनान में होगा, 12 जुलाई को केप टाउन, उसके बाद 14 जुलाई को सिंगापुर, 14 जुलाई को ही दोबारा पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में होगा, 15 जुलाई को पोलो में होगा ब्राज़ील में, और 15 जुलाई को दोबारा मस्कत में होगा, दोबारा 16 जुलाई को साओ पोलो में होगा, 16 जुलाई को ओमान में होगा, 16 को दरबन में होगा, 17 जुलाई को कोलालंपुर में होगा, फिर 21 जुलाई को कैसाब्लांका में होगा, 22 को कुवैत में होगा, 23 को रबात में, फिर 23 को दोबारा जिद्दा में, 25 को रियाज में, और 26 को इस्तांबुल, 30 जुलाई को अंकरा टर्की में होगा, 2 अगस्त को कराची में होगा, 27 अगस्त को मराकश में होगा,
30 अगस्त को इस्लामाबाद में होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए तो प्रोफिशंसी इन बोथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश हो, बोलनी भी आती हो, नॉलेज हो एडिशनल इंग्लिश की भी, जो इसकी एप्लीकेशन दे रहा होगा उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर लाजमी हो, कैंडिडेट जो हो वो यूएई की जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरता हो, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। क्राइटेरिया भी पूरा उतरने का मतलब CNIC भी हो, पासपोर्ट वगैरह भी हो, अहम ज़रूरी चीज़ें हों, FA की तालीम भी लाजमी हो, और दूसरा ये कि जो टैटूज़ हैं, टैटू जो लोग बनवाते हैं अक्सर शौकीन होते हैं, वो नज़र ना होते आते हों जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे उन जगहों पे। सैलरी और बेनिफिट्स में ये बताया गया कि बेसिक मंथली सैलरी 4,430 दरहम होगी, फ्लाइंग पे मतलब 63 दरहम होगा पर आवर के हिसाब से जितने घंटे आप सफ़र करेंगे। एवरेज जो फ्लाइंग आवर्स होंगे 80 से 100 घंटे होंगे, और एवरेज टोटल सैलरी जो होगी वो 10,170 होगी। आपको रहने की भी सहूलियत दी जाएगी और ट्रांसपोर्ट की भी। ये थी सारी अपडेट्स। अगर आप में से कोई भी शख्स अप्लाई करना चाहता है तो वो बेशक जाके करें, और उससे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरह की अपडेट्स बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।